ये तस्वीरें पटना से आई हैं, पर ये किसी महोत्सव का आयोजन नहीं है। ये पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जेडीयू के कार्यकर्ताओं के स्वागत की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात उनके मनोरंजन के लिए जमकर नाच गान का कार्यक्रम चला। कार्यकर्ताओं के जुटान पर पटना में उनके लिए जबरदस्त व्यवस्था हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऐसे में पटना में दिन भर जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला लगा रहा। जेडीयू के विधायक ददन पहलवान के आवास पर कार्यकर्ताओं के लिए दिन में खाने का इंतजाम के साथ साथ शाम में मनोरंजन के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया था। शाम में संगीत का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, महफिल सजने लगा और देर रात होते ही संगीत का कार्यक्रम अश्लील डांस में बदल गया। जेडीयू के नेता ददन पहलवान के घर पर कार्यकर्ताओं को पहले खाना खिलाया गया, फिर भजन सुनाया गया। उसके बाद नर्तक स्टेज पर देर रात पहुंची और अश्लील डांस का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान ददन पहलवान भी डांस देखते नजर आए। रात भर साउंड बॉक्स बजा, स्थानीय लोग परेशान होते रहे, लेकिन सभा नीतीश कुमार की होनी थी। ऐसे में किसी की कहां हिम्मत कि जाकर कहे कि गाना बजाना बंद करो। इस रैली पर तेजस्वी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये फ्लॉप शो है और सरकार सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, सरकारी तंत्र का तो दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये रैली है, वाकई में ये रैली है, और ये जानते हैं कि रैली इनकी सफल होने वाली नहीं है, भीड़ जुटने वाली नहीं है। 10% भी गांधी मैदान का जगह जो है वो नहीं भर पा रहे हैं, और पूरी तरीके से इन्होंने नाम दिया है कार्यकर्ता सम्मेलन का। ये जानते थे कि गांधी मैदान ये भर नहीं पाएंगे, फ्लॉप होगी, भीड़ आएगी नहीं, तो जवाब देने में नहीं बनेगा, इसलिए इन्होंने नाम जो दिया है वो कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया है। अब आप देखिएगा कि बिहार में कोई तोड़ नहीं रहा, बिहार के गांधी मैदान में हम तो कभी नहीं सुनते थे कि कोई कार्यकर्ता सम्मेलन करता है। यहाँ तो गांधी मैदान में जेपी मूवमेंट हुआ, लालू जी ने जो गरीब रैला किया था, हम लोगों ने पार्टी ने जो देश बचाओ भाजपा भगाओ जो रैली की थी, वो रैलियाँ हुई हैं बड़ी बड़ी। तो गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का मतलब ये है कि जेडीयू के लोगों का लो कॉन्फिडेंस है, हताश है, निराश है, मायूस है, और वो जानते हैं भीड़ नहीं आ रही, भीड़ नहीं, और ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। 10 साल के दौरान ये दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन को पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मेलन के लिए चुना है। इससे पहले साल 2015 में नीतीश कुमार ने ऐसे ही कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। उस समय नीतीश कुमार लालू यादव के साथी और महागठबंधन का हिस्सा थे। इस बार के चुनाव में समीकरण दूसरा है और जेडीयू अपने पुराने साथी के साथ है। पटना से राजेश कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।